नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जनवरी 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में है। एग्जाम्पल की सहायता से आसान शब्दों में समझते हैं ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम आखिरकार है क्या। देखो पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के इस छोटे से एरिया में कोई ABC कंपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश करना चाहती है, तो कंपनसेटरी फॉरेस्ट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जितना एरिया फॉरेस्ट का डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट होगा उतनी ही एक्विलेंट वैल्यू का पैसा देना होगा ABC कंपनी को, फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को। और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ उस पैसे का क्या करेंगी? फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ देखो लैंड आइडेंटिफाई करेंगी और उस लैंड पर जितना फॉरेस्ट डाइवर्ट हुआ है उतने ही पेड़ पौधे उगा दिए जाएंगे। इस प्रकार से बैलेंस इस्टाब्लिश किया जाता है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच। प्रोसेस सिंपल है, जितना एरिया फॉरेस्ट का डाइवर्ट होता है उसका इक्विवेलेंट पैसा दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है फॉरेस्ट अथॉरिटीज के द्वारा लैंड आइडेंटिफाई करके वहां पे फॉरेस्ट ग्रो करने में, यानी नए पेड़ उगाने में। बट देखो इस चीज़ में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है, मान लीजिए फॉरेस्ट का ये एरिया डाइवर्ट किया गया था, बदले में ABC कंपनी ने पैसा दे दिया फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को और उस पैसे से फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ इस लैंड में फॉरेस्ट उगा रही है। बट होता क्या है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है, जैसे एनिमल्स हैं उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। और काफ़ी बार आरोप ये लगता है ये जो एरिया डाइवर्ट हुआ यहां पे तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे, बट नई जगह पे जो पेड़ उगाए गए एक ही तरह के पेड़ उगा दिए गए और जितने पेड़ उगाए गए उनमें से बहुत कम पेड़ कामयाब हुए। इस कारणवश 2016 का ये जो कंपनसेटरी फॉरेस्ट एक्ट है ये देखो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बट समस्या का समाधान अब निकाला जाएगा ग्रीन क्रेडिट स्कीम के द्वारा। कैसे? देखो अब पूरे सिनेरियो में एक थर्ड पार्टी की एंट्री है। थर्ड पार्टी में देखो कोई NGO हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी हो सकती है। होगा क्या, जिनको भी अप्रूवल दिया जाएगा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा वो क्या करेंगी, लैंड आइडेंटिफाई करके वहां पर फॉरेस्ट उगाना स्टार्ट करेंगी, यानी पेड़ उगाना स्टार्ट करेंगी। मान लीजिए एक NGO है जिसका नाम है X NGO को अप्रूवल मिल गया है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से, तो X NGO फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगा और बोलेगा कि सर जी हमने इस जगह को आइडेंटिफाई किया है, हम यहां पे पेड़ उगाना स्टार्ट करेंगे, यानी फॉरेस्ट डेवलप करना यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बोलेगी ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल तक काम किया जाएगा X NGO के द्वारा, इस आइडेंटिफाई किए गए लैंड पर फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। तो 3 साल के बाद फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी आएगी, इंस्पेक्ट करेगी, देखेगी कि वास्तव में फॉरेस्ट डेवलप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मान लीजिए फॉरेस्ट डेवलप हो गया है और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने मान लिया है कि इस एरिया में फॉरेस्ट डेवलप कर दिया गया है X NGO के द्वारा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ABC कंपनी आती है, ABC कंपनी कहती है हमें फॉरेस्ट का ये हिस्सा चाहिए। तो पहले क्या होता था, पहले पैसे ले लिए जाते थे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, लेकिन अब एक ऑप्शन और दिया जाएगा ABC कंपनी को। ABC कंपनी को यह बोला जाएगा कि देखो एक लैंड पड़ा है वहां पर, X NGO के पास है ये लैंड और उन्होंने वहां पे फॉरेस्ट को डेवलप किया है, तो आप एक काम कीजिए उनसे ये लैंड परचेज करके जहां पे उन्होंने फॉरेस्ट डेवलप किया है वो हमें दे दीजिए और बदले में ये जो आप मांग रहे हो अपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश करने के लिए ये हम आपको दे देंगे। समझ गए चीज को, मतलब फॉरेस्ट को एज ए कमोडिटी, फॉरेस्ट का ट्रेड किया जा रहा है एज ए कमोडिटी। थर्ड पार्टी वालों ने लैंड आइडेंटिफाई करके फॉरेस्ट डेवलप किया, तो बाद में जब कंपनीज आएंगी उनको बोला जाएगा उन थर्ड पार्टी वालों से वो लैंड परचेज करके हमें दे दीजिए, बदले में जो लैंड आप मांग रहे हो अपनी फैक्ट्री इस्टाब्लिश करने के लिए वो लैंड हम आपको दे देंगे। इससे बैलेंस इस्टाब्लिश हो सकेगा अच्छे से, फैक्ट्री भी इस्टाब्लिश हो जाएगी और फॉरेस्ट तो ऑलरेडी डेवलप हो ही चुका है। फर्क ये है, कंपनसेटरी फॉरेस्ट एक्ट में पैसे ले लिए जाते हैं और बाद में कोशिश की जाती है फॉरेस्ट डेवलप करने की, लेकिन फॉरेस्ट डेवलप हो नहीं पाता बहुत बार।
इस ग्रीन क्रेडिट स्कीम में क्या होगा, फॉरेस्ट पहले से डेवलप कर लिया होगा किसी दूसरी जगह पर और कंपनी को बोला जाएगा वो परचेज करके आप हमें दे दीजिए, और डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा, थर्ड पार्टी वालों के द्वारा। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, एनजीओ, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी। इसका फायदा देखो ये होगा, इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है हमारी, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात हो या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमारी जो कमिटमेंट्स हैं उनको इंडिया फुलफिल कर सकेगा इस स्कीम की सहायता से। और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का जिक्र आया था इस आर्टिकल में, ये कमेटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ये बॉडी देखो फॉरेस्ट डाइवर्जन के रेगुलेशन को डील करती है, मतलब अगर फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करना हो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए तो उसको रेगुलेट किया जाता है इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के बारे में है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट देखो वर्ल्ड में ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करती है जिससे तबाही आ सकती है। इसके अलावा ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप में हर साल क्या क्या बदलाव आ रहा है। ये देखो पहली बार हुआ है, वैसे इस रिपोर्ट को रिलीज होते हुए 10 साल हो चुके हैं और ये पहली बार हुआ है टॉप 10 रिस्क जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इस रिपोर्ट में, उनमें से टॉप 5 जो हैं वो सभी इन्वायरमेंट रिलेटेड रिस्क हैं। स्क्रीन पर देखो ये टॉप 5 रिस्क हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इस रिपोर्ट में, और ये सारे इन्वायरमेंटल हैं। एक्सट्रीम वेदर, दूसरे नंबर पर फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, तीसरे नंबर पे मेजर नेचुरल डिजास्टर, चौथे नंबर पे बायोडाइवर्सिटी लॉस और पांचवें नंबर पे ह्यूमन मेड डैमेज। इसके अलावा टॉप 10 जो रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें 5 और इस प्रकार से हैं, डेटा फ्रॉड थेफ्ट, साइबर अटैक्स, वाटर क्राइसिस, ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर और सबसे लास्ट में एसेट बबल। रिपोर्ट में देखो ये भी कहा गया है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क जो हैं उनका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव हो सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा सकता है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है ये जो 2020 का साल होगा इसमें और ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म से दूर भाग रहे हैं विभिन्न देश। मल्टीलेटरलिज्म मतलब यूएन जैसी संस्थाओं को इग्नोर किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1971 में इस्टाब्लिश की गई थी। वर्ल्ड के वेरियस चैलेंजेस से डील किया जाता है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और स्टेट ऑफ वर्ल्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। एंगेज किया जाता है बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और सोसाइटी के जो दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ, मतलब उनको बुलाया जाता है डेवोस में जनवरी के लास्ट में। जनवरी का लास्ट अब आ गया देखो, तो स्विट्जरलैंड में डेवोस एक जगह है, वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट ऑर्गेनाइज होगा। और कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है रामविलास पासवान, इन्होंने अनाउंस किया है कोई भी ज्वेलर 15 जनवरी 2021 के बाद से ऐसी ज्वेलरी नहीं बेच सकेगा जिस पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉलमार्क नहीं लगा हुआ है। तो कस्टमर्स देखो जब भी कोई ज्वेलरी परचेज करें 15 जनवरी 2021 के बाद से, तो उनको किसी भी ज्वेलरी पर चार चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले BSI मार्क यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉलमार्क यानी लोगो, दूसरा प्यूरिटी इन कैरेट मतलब ज्वेलरी में जो सोना है उस सोने की प्यूरिटी कितनी है, कितने कैरेट का सोना है, तीसरे नंबर पे ऐसे सेंटर नेम मतलब कहाँ पर एसेस करवाया गया है ज्वेलरी को, सबसे लास्ट में ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब ज्वेलर का लोगो, ऐसी चीज़ जिससे ये पहचाना जा सके कि इस ज्वेलरी को बेचा गया है इस ज्वेलर के द्वारा। तो इन चार चीज़ों को मेनली कस्टमर्स को देखना चाहिए जब भी वो कोई ज्वेलरी परचेज करें। वैसे एक और चीज़ भी देखी जा सकती है, ईयर ऑफ हॉलमार्किंग मतलब हॉलमार्किंग कब करवाई गई थी ज्वेलर के द्वारा ज्वेलरी की।
अगर देखो ऐसा पाया जाता है सोने की किसी कलाकृति में या फिर ज्वेलरी में 14 कैरेट का, 18 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का सोना इस्तेमाल हुआ है और वो भी विदाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होलमार्क, तो उस ज्वेलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई किस फॉर्म में, ज्वेलरी की या फिर कलाकृति की जो कीमत है उसको उसका 5 गुना तक फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के अंतर्गत, कब, 23 दिसंबर 1986 को फॉर्म में आ गई थी ये बॉडी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का प्रेसिडेंट कौन होता है, देखो वो मिनिस्टर जिसके पास कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री होती है वही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। BIS एक्ट 2016 में जो सेक्शन 14 और सेक्शन 16 है, ये सेक्शंस इनेबल करते हैं मिनिस्ट्री को कि वो गोल्ड ज्वेलरी के लिए या फिर और किसी कलाकृति के लिए होलमार्किंग जो है उसे कंपलसरी बना सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गोल्ड ज्वेलरी की होलमार्किंग से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2020 इंडेक्स के बारे में है। देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2020 इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो महिलाओं की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को मेजर करता है। 8 इंडिकेटर्स के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। देखो वर्क लाइफ में जो वेरियस स्टेजेस आती हैं उन वेरियस स्टेजेस में मैन और वुमेन के बीच क्या लीगल डिफरेंस रहता है उसको मेजर किया जाता है 8 इंडिकेटर्स के आधार पर इस इंडेक्स में। और वो देश जिनका स्कोर 100 है उन देशों ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे महिलाएं जो हैं वो इकोनॉमिकली इंपावर्ड हैं। तो ये देश हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया है इस इंडेक्स में, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग और स्वीडन। इंडिया का कितना स्कोर रहा है, इंडिया का स्कोर रहा है 74.4 और इंडिया की रैंकिंग रही है 117 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। और जिन देशों ने पिछले साल के अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म किया है, इम्प्रूवमेंट की है, वो इस प्रकार से हैं सऊदी अरेबिया, UAE, नेपाल, साउथ सूडान, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो बेस काफ़ी ज़्यादा लो है। थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी इन देशों के द्वारा वो ज़्यादा ही दिखेगी क्योंकि बेस काफ़ी लो है। तो इस प्रकार से हमने ये इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। और आज देखो कमी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारी आज की इस डिस्कशन में, फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।